Am I audible? Yes, sir. Okay. The screen shared है? Yes, sir, shared. Okay. तो लास्ट क्लास में बेसिकली नेटवर्क का कुछ इशू हो गया था, इस वजह से हम लोग यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था. तो हम लोग बेसिकली डिफेक्ट्स, हाँ, आपने नीचे वाला नोट नहीं कर पाया, डिफेक्ट्स की बात कर, ठीक है. अर्पित क्या कह रहे हैं आप? सर मैं कह रहा था नीचे वाला पार्ट हम नोट नहीं कर पाए थे सर, क्लास एंड हो गई थी तब तक. ओके ओके, ठीक है ठीक है, बस मैं वही रिव्यू दे रहा हूँ तब तक और भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे अपने. तो बेसिकली इम्परफेक्शन इन सॉलिड की जब बात किया था मैं, तो डिफेक्ट्स यहाँ पे जो होते हैं इम्परफेक्शन इन सॉलिड को ही डिफेक्ट कहते हैं हम लोग. और ये जो होता है दो टाइप का होता है आपका, ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट. और जो मेन पॉइंट होता है इसमें यही होता है. पॉइंट डिफेक्ट का जो दूसरा नाम होता है वो होता है आपका एटॉमिक डिफेक्ट. और यहाँ पे हमने पॉइंट डिफेक्ट को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया है, सॉरी तीन पार्ट, जिसमें आपका पहला जो होता है एस्टोइच. लैग कर रही है क्या याशिका? एम आई ऑडिबल? पहले करी थी, अब ठीक हो गई. यस सर. ओके ओके ओके, अगर आवाज लैग करे तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है. वेट अ मिनट. तो आपका पॉइंट डिफेक्ट होता है, ये तीन टाइप का होता है, एस्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, एम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन एस्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है. तो इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, ठीक है. फर्दर एस्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट चार पार्ट में डिवाइड होता है, नॉन एस्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट दो पार्ट में डिवाइड होता है. और एस्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब यही होता है कि एक आयनिक कंपाउंड का क्रिस्टल होगा जिसमें बिफोर डिफेक्ट जितना कैटायन और अनायन का रेशियो होगा उतना ही आफ्टर डिफेक्ट रेशियो होगा, सेम रेशियो होगा, ठीक है, रेशियो चेंज नहीं होगा, उसे कहेंगे हम लोग एस्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट. और नॉन एस्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब होता है कि बिफोर कुछ और होगा रेशियो कैटायन और अनायन का, और आफ्टर डिफेक्ट कुछ और होगा, चेंज हो जाएगा बेसिकली. इसको भी हम लोग डेफिनेशन में लिखेंगे. तो सबसे पहले इसे लिख लीजिए आप लोग पॉइंट डिफेक्ट को, एंड देन लेट मी नो अगर आपको कर लेते. सर इतना तो नोट हो गया था सर, ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट से लिखना था. ओके चलिए फिर स्टोइकोमेट्रिक को कर देते हैं. और मैंने यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक का डेफिनेशन भी लिखवा दिया था, रेशियो ऑफ कैटायन एंड अनायंस रिमेन सेम, यानी बिफोर डिफेक्ट इज इक्वल टू आफ्टर डिफेक्ट होता है आपका रेशियो ऑफ अनायन और कैटायन. और बेसिकली यहाँ पे मैं पूरा लिस्ट बनाने जा रहा हूँ डिफेक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, फिर उसका डेफिनेशन किस टाइप के सॉलिड में होता है, आयनिक सॉलिड या नॉन आयनिक सॉलिड, डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें अभी हम लोग कंप्लीट करेंगे. तो चलिए जरा मेरे साथ ये लिखिए, थोड़ा सा और स्लाइड अप कर देते. चलिए तो यहाँ पे डिफेक्ट सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पे आपका वैकेंसी डिफेक्ट, यहाँ पे वन डाल दीजिएगा, आपके पास सबसे पहला क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट. वैकेंसी डिफेक्ट के नाम से ही पता चल रहा है वैकेंट हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए वैकेंसी डिफेक्ट का अगर डेफिनेशन लिखें, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे व्हेन इन सॉलिड सम लैटिस साइट्स आर वैकेंट, यानी वैकेंट हो जाता है, कुछ चीजें उसमें से निकाल देंगे, कुछ क्रिस्टल और कुछ पार्टिकल्स निकाल देंगे, उसे कहते हैं हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट में. और ये किस टाइप के सॉलिड में होता है, तो ये होता है बेसिकली आपका नॉन आयनिक सॉलिड में, नॉन आयनिक सॉलिड में आपका वैकेंसी डिफेक्ट होता है. अब खुद ही बताइए कि यहाँ पे अगर एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, पहले लिखिएगा नहीं, पहले समझ लीजिए. जैसे मान लीजिए ये एक क्रिस्टल है और इसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं एटम्स के, ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है, और इसमें से कुछ पार्टिकल्स अगर मैं निकाल देता हूं तो डेंसिटी डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा. डिक्रीज करेगा, सिंपल सी बात है, डेंसिटी क्या होगा,
डिक्रीज ही करेगा ना, यस ठीक है। तो ये होता है इसका छोटा सा डेफिनेशन। सबसे पहली बात ये है कि वैकेंसी डिफेक्ट, एक सॉलिड में कुछ लैटिस साइड्स वैकेंट हो जाते हैं उसको कहते हैं हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट। और इंपॉर्टेंट ये है कि ये आपका नॉन आयनिक सॉलिड में होता है, जिसकी वजह से अगर वैकेंट होता है तो यहाँ पे डेंसिटी जो होता है इसका डिक्रीज हो जाता है। दूसरा हम लोग लेंगे इंटरस्टीशियल लैटिस साइड्स, ठीक है। याशिका, उनेब, महराज, चल एक बार अब यहाँ पे जो दूसरा मिस हो गया सर, एक बार जी यहीं से शुरू हुआ है। लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पे कराया हुआ था। यस सर, मैंने रिकॉर्डिंग। ये तो हाँ देख लीजिए यहाँ से, और भी ऊपर करने की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। प्लीज लिखिए। डन, उनीब और महराज। सर एक सेकंड। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग डिफेक्ट्स देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तब तक मैं यहाँ देखिए, अब नेक्स्ट जो है इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। इंटरस्टीशियल डिफेक्ट क्या होता है, उनीब हो जाए तो बताइएगा आपका, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज इंटरस्टीशियल। साइड्स मतलब क्या हुआ? लैटिस साइड्स का मतलब ये हो गया, जैसे कोई भी ये आपका एटम हो गया उसको लैटिस साइट कहेंगे। लैटिस पॉइंट जो होता है ना, उसमें जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं। साइट इज अ प्लेस, एक तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। डन। और सर डेंसिटी डिक्रीज होगी? डेंसिटी डिक्रीज होगी, जाहिर सी बात है वहां से कुछ निकाल देंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अगर यहाँ से अगर निकाल दिया आपने तो मास नहीं हो जाएगी, फिर से बता दो सर, सुना मैं ये कह रहा हूं कि यहां से अगर वैकेंट कर दिया आपने, ठीक है, यहां से एक एटम निकाल दिया आपने, तो डेंसिटी इज इक्वल टू इनिशियली मास अपॉन वॉल्यूम है। तो मास अगर डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी भी डिक्रीज करेगा कि नहीं, डायरेक्टली yes, प्रोपोर्शनल है ना। बात समझ में आई? yes, sir, चलो यहां तक किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज आस्क मी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे इंटरस्टीशियल साइट की जब बात करते हैं तो इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमने एक क्रिस्टल बनाया, ठीक है, क्रिस्टल है, ठीक है, यहाँ पे एटम्स हैं ऐसे लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वॉइड्स याद है, वॉइड्स का मतलब क्या होता है, एम्प्टी स्पेस। जाहिर सी बात है एटम्स अगर आपके स्फेरिकल हैं तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये इंटरस्टीशियल साइट है, तो यहाँ पे अगर कुछ जाके वॉइड्स यहाँ पे आके लग जाएगा तो भी डिफेक्ट होगा, ठीक है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को जो आके लग जाता है इसमें, इंटरस्टीशियल साइट को कवर करता है, ठीक है, इस टाइप को डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। तो इसका डेफिनेशन पहले लिख देता हूँ। सम एटम्स, ये जो एटम्स होंगे काफी छोटे होंगे, जनरली कैटायन होते हैं, क्योंकि कैटायन जो होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं साइज में। सम एटम्स लीव देयर साइट्स एंड move to interstitial site. Interstitial lattice या interstitial site lattice. पहले इसको excuse me sir लिख लीजिए। ये yes
नॉन आयनिक सॉलिड। यस अर्पित सर, वॉइड्स को इंटरस्टीशियल बोलते हैं। एक बार और पूछिए। वॉइड्स को इंटरस्टीशियल इफेक्ट्स बोलते हैं। वॉइड्स को, वॉइड्स को, हाँ इंटरस्टीशियल इफेक्ट यही कह रहे हैं ना आप? इफेक्ट सर, इफेक्ट, इंटरस्टीशियल इफेक्ट। आपकी आवाज थोड़ी सी लैग कर रही है। Am I audible to all of you? Interstitial defect देखिए क्या होता है। Interstitial defect में क्या होता है कि जो आपका voids होते हैं यहाँ पे बाहर से कुछ आके add हो जाते हैं या फिर कुछ atoms जो होते हैं वो interstitial site cover कर लेते हैं, यानी जो voids होते हैं वहां जाके लग जाते हैं। ठीक है, जनरली यहाँ पे आके कहीं बाहर से अगर इसमें लग गया तो जाहिर सी बात है इसका डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? अगर बाहर से कुछ आके इस एटम के अंदर, इस क्रिस्टल के अंदर अगर ऐड हो जाएगा तो डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज? बोल नहीं रहे आप लोग। याशिका सर समझ गया। ओके नो प्रॉब्लम। चलिए यहाँ पे देखिए ये आप लोग लिख ली है, मैं दोबारा एग्जांपल देता हूँ। ये लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ओके उनीब महराज, चलिए यहाँ पे देखिए, जिसका नहीं हुआ है बता दे प्लीज। दो टाइप का डिफेक्ट मैंने बताया यहाँ पे, एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा होता है इंटरस्टीशियल डिफेक्ट, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। अब ये जो वैकेंसी डिफेक्ट होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये बिफोर डिफेक्ट है, ये क्या आपका बिफोर डिफेक्ट है, ऐसे ऐसे लगा हुआ है, ध्यान से देखिए। ये मैं लिख देता हूं यहां पे बिफोर डिफेक्ट। अब ड्यू टू सम रीजंस, जिस रीजन के पीछे हमें नहीं भागना है, ड्यू टू सम रीजंस यहां पे क्या हो गया कि एक जो एटम है बेसिकली वो गायब हो, एक एटम जो है वो गायब हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं, इस टाइप के डिफेक्ट को हम वैकेंसी डिफेक्ट कहते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि वैकेंसी डिफेक्ट जो होता है और इंटरस्टीशियल डिफेक्ट जो होता है वो नॉन आयनिक सॉलिड में होता है। किसमें होता है आपका? नॉन आयनिक सॉलिड में। ठीक है याशिका, उनीब? यस सर। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब क्या हो गया, वैकेंसी डिफेक्ट एग्जिस्ट इन नॉन आयनिक सॉलिड, और इसका मतलब क्या है कि ये बिफोर डिफेक्ट है और ये आफ्टर डिफेक्ट है। तो बिफोर डिफेक्ट मतलब जो भी एटम्स है उसमें से एक आध एटम्स जो हैं वो आपका निकल जाए, और जब एटम्स निकलेंगे तो कुछ मास भी कम होगा जिसके वजह से डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी कि नहीं बताइए आप लोग? यस, डेंसिटी डिक्रीज होगी। उनीब मिराज अर्पित? यस सर। अब इंटरस्टीशियल डिफेक्ट क्या होता है कि ऐसे ही एक नॉन आयनिक सॉलिड के लिए ही ये भी होता है, नॉन आयनिक सॉलिड के लिए ही होता है ये भी। ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है एटम्स, ठीक है, बहुत सारे एटम्स लगे हुए हैं, ये भी बिफोर डिफेक्ट दिखा रहा हूं मैं, ये भी बिफोर डिफेक्ट दिखा रहा हूं। इन द सेम वे ऐसे ही आपका अब आफ्टर डिफेक्ट देखिए क्या होगा, ये पांच था पांच ही रहेगा, यहाँ भी यहाँ पे चार बनाया हूँ ये चार ही है, और यहाँ भी चार बनाया हूँ चार ही है। अब यहाँ पे आपको दिखा कि ऐड हो जाता है, बेसिकली बाहर से कुछ एटम्स जो हैं या कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं इसमें, जो इंटरस्टीशियल साइड छोटे छोटे जो वॉइड्स रह जाते हैं उसमें कुछ ऐड हो जाता है जाके, ठीक है, उसको कहते हैं हम लोग इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। इंपॉर्टेंट ये है कि ये नॉन आयनिक सॉलिड में एग्जिस्ट करता है, और जाहिर सी बात है कुछ एटम ऐड होंगे तो इसका मास बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, तो मास जब बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज, इंक्रीज ही तो करेगी, सिंपल। ये बात समझ में आया है याशिका, उनीब? यस सर। अर्पित?
महराज अल्विया, तो ये कहना चाह रहा था मैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है वो चार टाइप का होता है, जिसमें से दो हमने डिस्कस कर लिया, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। ठीक है, अब हम थर्ड वाले की तरफ चले, ये बना लिया आप लोगों ने, लिख लिया सर? मैं ऊपर लिख पाया सर, इंटरनेट आउट हो गया था। अच्छा, तो स्लाइड ऊपर करूँ क्या मैं? सर कर दो, देख लीजिए ऊपर वाला, तो सबसे पहला वाला तो लिख लिया था आपने शायद। हाँ सर वो होगा। वेरी गुड, प्लीज लेट मी नो व्हेन एवर यू आर डन विद दिस। वेरी गुड, यशिका, उनेब, महराज, अल्विया, आपको समझ में आया? काफी ओके, आप लोग बोल दिया करिए ताकि मुझे भी लगे हाँ समझ में आ रहा है, तो अच्छा लगता है। वेट अ मिनट, गलती हो गई। Done everyone. मेहराज आप ही का वेट कर रहा हूं मैं। Yes, sir, हो गया। Very good. ये भी देख लीजिए, आगे बढ़े। Yes, sir. अल्विया हो गया आपका, ओके चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट, विच इज बेसिकली शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट, देखिए शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पे शॉर्ट की बहुत ही इजी है समझना। शॉर्ट की डिफेक्ट में सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ anions and cations or anion and cation is removed or it will be removed by any means from lattice उसे कहते हैं हम शॉर्ट की डिफेक्ट। मतलब यह है कि ऊपर वाला जो वैकेंसी डिफेक्ट है, वैकेंट करना, वैकेंसी को हम ऐसे सोच सकते हैं वैकेंट करना, मतलब इन दोनों में फर्क इतना होता है कि वैकेंसी डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड के लिए होता है और शॉर्ट की डिफेक्ट जो होता है आपका वो आयनिक सॉलिड के लिए होता है। किसके लिए होता है? आयनिक सॉलिड के लिए होता है। एज फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक सॉलिड है, ठीक है, इस तरीके से, और इसमें आपने रख दिया Na plus Cl minus Na plus, then again Cl minus Na plus and Cl minus, then again Na plus Cl minus and Na plus, and by some means इसमें क्या हो जाता है आपका केटायन और अनायन इक्वल नंबर में इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, क्योंकि ये एस्टोइस्योमेट्रिक डिफेक्ट है और एस्टोइस्योमेट्रिक डिफेक्ट को हमने ऐसे डिफाइन ही किया है कि इसका जो रेशियो होगा केटायन और अनायन का वो हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसा नहीं होगा कि बस केटायन निकाल दिया या बस अनायन निकाल दिया, अगर केटायन जितना निकला है उतना ही अनायन निकलेगा,
ताकि आपका जो रेशियो होगा वो सेम रहे। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे एन ए प्लस और यहाँ से सीएल माइनस निकाल दिया, एन ए प्लस यहाँ बचा, सीएल माइनस यहाँ से निकाल दिया, तो एन ए प्लस सीएल माइनस एंड देन अगेन एन ए प्लस सीएल माइनस एन ए प्लस। तो आप देख सकते हैं यहाँ से सीएल माइनस गायब है और यहाँ से एन ए प्लस गायब है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, शॉर्ट की डिफेक्ट हो जाएगा, और सिंस एटम्स इसमें से निकाले गए हैं तो इसका चलेगा। ये सवाल हमेशा पूछता है, डेंसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, डिक्रीजेज। दोबारा बोलिए सर। डिक्रीजेज, डिक्रीजेस, क्योंकि इसमें से डिक्रीज एटम्स निकालेंगे, जाहिर सी बात है उस एटम का मास डिक्रीज हो जाएगा, और मास जब डिक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब फोर्थ वाला भी समझा देता हूं, देन अगेन चारों को कनेक्ट करके हम लोग समझ लेंगे। फोर्थ वाले का जो नाम होता है आपका, वो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है। क्या होता है आपका, फ्रैंकल डिफेक्ट। अब ये फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है आपका बहुत ही ईजी होता है, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। व्हेन अ कैटायन occupies interstitial site in lattice। अब आपको पता है कि यहां पे क्या होता है कि कैटायन और एनायन की बात होती है, क्योंकि ये आयनिक सॉलिड में ही ये दोनों डिफेक्ट होता है। किसमें होता है, आयनिक सॉलिड, और सिंस ये आयनिक सॉलिड है तो आयनिक सॉलिड किससे बनता है, आयनिक कंपाउंड किससे बनता है, कैटायन और एनायन से। और ये बात भी आप लोगों को पता होगा, क्लास 11th में पढ़ा आप लोगों ने साइज के बारे में, कि कैटायन जो होते हैं वो छोटे होते हैं अनायन से, काफी छोटे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली अगर हमने एक क्रिस्टल बनाया, बस ये एग्जांपल लेने के लिए NaCl NaCl लिख रहा हूं मैं, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, देन अगेन Cl माइनस, देन अगेन Na प्लस, देन Cl माइनस एंड देन अगेन Na प्लस एंड देन Cl माइनस एंड देन Na प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली जो Na है काफी छोटा है, ठीक है, ये इस तरीके से होंगे, ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे एटम्स है, स्फेरिकल मानते हैं हम लोग, तो ये स्फेयर में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि Na प्लस क्या करेगा, अपना बस पोजीशन चेंज कर लेगा और इंटरस्टीशियल साइट यानी जो आपका वॉइड्स है यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। Na प्लस Cl माइनस, फिर Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, ठीक है, फिर इसको भी लिख देता हूँ Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, देन अगेन यहाँ वाला जो Na है वो कहीं और जाके लग जाएगा, लाइक Na प्लस यहाँ पे आके लग गया यहाँ पे। तो बेसिकली कैटायन जो होता है उसी में किसी और जगह पे डिस्प्लेस हो जाता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, ठीक है। तो क्या इस पे डेंसिटी पे कोई फर्क पड़ेगा, डेंसिटी इंक्रीज डिक्रीज रिमेन सेम, क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, यानी डेंसिटी रिमेन्स सेम। तो देखिए यहाँ पे बहुत ही आसान है आपका, सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट, जिसमें से वैकेंट करना है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में होना चाहिए कि वैकेंसी डिफेक्ट जो होता है वो नॉन आयनिक सॉलिड के लिए होता है, इंटरस्टीशियल डिफेक्ट नॉन आयनिक सॉलिड के लिए होता है शॉर्ट की, और फ्रैंकल डिफेक्ट आयनिक सॉलिड के लिए होता है। वैकेंसी डिफेक्ट में वैकेंट कर देना है, एटम्स को निकालना है, और एटम्स जब निकल रहे हैं तो उसका डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटरस्टीशियल डिफेक्ट की बात करें तो बाहर से कुछ चीज ऐड होता है, तो जब ऐड होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मास बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ गया। अब शॉर्ट की डिफेक्ट की बात करते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट सिंस आयनिक सॉलिड में होता है तो कैटायन और एनायन, और शॉर्ट की और आपका वैकेंसी दोनों सेम होता है, फर्क इतना होता है कि ये आयनिक सॉलिड में होता है वो नॉन आयनिक सॉलिड में होता है। तो यहाँ पे आयनिक सॉलिड में अगर कुछ रिमूव कर रहे हैं तो कैटायन और एनायन दोनों में से कोई एक रिमूव करेंगे तो उसके साथ एक और भी जाएगा, क्योंकि ये स्टोइकियोमेट्रिक का पार्ट है, और स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट यही कहता है कि बिफोर डिफेक्ट जो रेशियो ऑफ एनायन और कैटायन होता है वो सेम होता है आफ्टर डिफेक्ट। तो यहाँ पे अनायन और कैटायन इक्वल नंबर में निकालेंगे, मास डिक्रीज हुआ, डेंसिटी डिक्रीज होगा। फ्रैंकल डिफेक्ट आयनिक सॉलिड में होता है, और यहाँ क्या होगा कि कैटायन जो होता है जनरली कैटायन ही लेते हैं, क्योंकि आपका कैटायन काफी छोटा होता है और जो वॉइड्स होते हैं वो छोटे होते हैं, तो कैटायन जाके उस इंटरस्टीशियल साइट को कवर करेगा, ठीक है। तो इसमें डेंसिटी,
डन। इसमें किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। सर डन डन एवरीवन। मेराज, याशिका, अल्विया, यस सर, वेरी गुड। उनीब, यस सर, ओके। अल्विया हो गया। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंसिएशन आता है, डिस्टिंग्विश करते हैं बेसिकली हम लोग शॉटकी और फ्रैंकल के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, एक चार्ट बनाते हैं शॉटकी डिफेक्ट, और ये रहा आपके पास फ्रैंकल डिफेक्ट। और यहाँ पे हम डिफरेंसिएट करते हैं इनमें, सबसे पहला साइज ऑफ अनायन एंड कैटायन, ठीक है। तो देखिए शॉटकी में क्या होता है आपका, कि जो साइज ऑफ अनायन और कैटायन होता है वो कंपेरेबल साइज का होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि दोनों इक्वली निकालते हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा शॉटकी में, साइज ऑफ कैटायन कंपेरेबल टू साइज ऑफ अनायन। मतलब पहचानने का तरीका है, ठीक है, कि अगर कोई कंपाउंड दे दिया और पूछेगा कि इसमें शॉटकी होगा या फ्रैंकल होगा, तो जहां पे कैटायन और अनायन का साइज कंपेरेबल होगा, ऑलमोस्ट इक्वल होगा या इक्वल के बराबर, तो वहां पे आपका शॉटकी डिफेक्ट होगा। और वहीं पे फ्रैंकल डिफेक्ट की बात करते हैं, तो फ्रैंकल में क्या होता है कि इंटरस्टीशियल साइट को कवर करता है कैटायन, ठीक है। तो कैटायन जो वर्ड्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं। तो यहाँ पे जो साइज ऑफ अनायन होगा वो वेरी वेरी लार्जर देन साइज ऑफ कैटायन होगा, यानी बेसिकली साइज ऑफ कैटायन जो होता है वो काफी छोटा होगा, तभी जाके क्या करेगा वो इंटरस्टीशियल साइट को कवर करेगा। तो डिफरेंस एकदम समझ में आना चाहिए, शॉटकी डिफेक्ट में क्या होता है कैटायन और अनायन का साइज कंपेरेबल होता है, और फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है अनायन का साइज जो होता है बहुत ही बड़ा होता है कैटायन से, क्योंकि कैटायन यहाँ जाके इंटरस्टीशियल साइट कवर करता है, जो वॉइड्स होते हैं उसे कवर करता है, और जो वॉइड्स होते हैं वो काफी छोटे होते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई साइज ऑफ कैटायन वेरी वेरी लेस देन साइज ऑफ अनायन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक बात बताइए, अगर यहाँ पे एक कैटायन बड़ा सा है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर याद है आप लोगों को, कोऑर्डिनेशन नंबर जब हमने रेडियस रेशियो पढ़ा था तो कोऑर्डिनेशन नंबर किस किस को याद है, याशिका, मेराज, उनीब, अल्विया, अर्पित, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, एनीवन, किसी को याद नहीं है? सर जितने एटम से सराउंडेड हो, जितना नियरेस्ट नेबर एटम से सराउंडेड हो, वेरी गुड। बेसिकली यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, अब बताइए आप यहाँ पे कैटायन का साइज अनायन के साइज के बराबर होता है, यानी साइज ऑफ अनायन जनरली क्या होते हैं बड़े होते हैं, तो आप बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा किसका होगा, शॉर्टकी डिफेक्ट का या फ्रैंकल डिफेक्ट का, वेट अ मिनट। सर आपके पास नहीं थी, मैं कह रहा हूँ लेक्चर आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, बताइए याशिका, अभी 12th की आप लोगों को शुरुआत है, अगर अभी से इतना
इररिस्पॉन्सिबल होंगे आप लोग तो कुछ नहीं होगा, अभी तो बहुत ही कम कम हो रहा है, इसको आप लोगों को साथ साथ में ले चलना चाहिए। मैंने ये बताया था आप लोगों को कि कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए क्या होता है, कि जैसे मान लीजिए छोटा सा आइटम है, ठीक है, आप लोग खुद ही सोच के बताइए कि इससे सराउंडेड जो एटम्स होंगे वो ज्यादा होंगे या कम होंगे। अगर बड़ा सा एटम ले लिया बीच में तो सराउंडिंग एटम बढ़ेगा या घटेगा, और बड़ा ले लिया तो सराउंडिंग एटम और बढ़ेगा कि नहीं? Yes, sir. ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? मेराज एंड उनीब, उनीब प्लीज स्पीक अप। Yes, sir. हाँ प्लीज बोला करिए ताकि मुझे भी लगे हाँ समझ में आ रहा है, नहीं तो ऐसे लगता है बस मैं बोले जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, साइज ऑफ कैटायन और साइज ऑफ अनायन जो है वो कंपेरेबल है, ठीक है, और अनायन जनरली बड़े होते हैं, तो साइज ऑफ कैटायन भी बड़ा है, और साइज ऑफ कैटायन बड़ा है तो सराउंडिंग एटम्स जो होंगे वो काफी ज्यादा होंगे, और सराउंडिंग एटम्स ज्यादा होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन शॉर्ट की डिफेक्ट हाई होगा या नहीं, हाई होगा। हमें ये नहीं बताना है कितना है, कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो हाई होगा। वहीं पे बात करें तो साइज ऑफ कैटायन में यहाँ पे साफ साफ लिख रहा हूँ छोटा सा है, ठीक है, साइज ऑफ कैटायन वेरी वेरी लेस देन अनायन, तो यहाँ पे जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, लो होगा। तो सवाल में बहुत बार पूछता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर इन शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में किसका ज्यादा होगा, तो शॉर्ट की में ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे कैटायन का जो साइज है वो बड़ा है, तो सराउंडिंग एटम्स भी जो होंगे वो ज्यादा आएंगे, और यहाँ पे फ्रैंकल में क्या होता है, साइज ऑफ कैटायन छोटा है, जिसकी वजह से सराउंडिंग एटम्स भी क्या होंगे, छोटे होंगे, कम होंगे। चलिए इसे करिए जरा, हो जाए तो बताइए जरा। अब इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये लिखवा देता हूँ पहले, इसके एग्जाम्पल्स में लिख लीजिएगा। NaCl जो शो करता है वो शॉर्ट की शो करता है, KCl जो शो करता है ये भी शॉर्ट की, KBr, CSCl ये सारे के सारे शॉर्ट की शो करते हैं। अब यहाँ पे फ्रैंकल की जब बात करें तो AgCl और ZN वगैरह ये जो होते हैं आपके, ये फ्रैंकल शो करते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है आपका कि AgBr जो होता है ना वो बाउंड्री पे होता है, AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जो आपका फ्रैंकल भी शो करता है और जो आपका शॉर्ट की भी शो करता है, तो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, AgBr शोज फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्ट की डिफेक्ट। डन, सर AgBr वाला फिर से बता सकते हैं? AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जो शॉर्ट के इफेक्ट भी शो करता है और फ्रैंकल इफेक्ट भी शो करता है, और ये सवाल हमेशा पूछता है, ठीक है। ये NaCl, KCl, KBr, CSCl ऐसे कंपाउंड है जो बस शॉर्ट के इफेक्ट शो करते हैं, और यहाँ पे AgCl और ZN की बात करें तो ये आपके फ्रैंकल डिफेक्ट शो करते हैं ओनली। इज दैट क्लियर नाउ?
यस सर ओके स्लाइड चेंज कर दूं उनीब अल्विया यस सर ओके चेंजिंग द स्लाइड चलिए कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए आप इस रिलेटेड नोट डाल के एजीबीआर वाला लिख लेते हैं सबसे पहले एजीबीआर शोज बोथ टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स दैट मीन्स शॉर्ट की एंड फ्रैंकल दूसरा नोट डाल के पॉइंट लिख लीजिएगा शॉर्ट की डिफेक्ट इज जनरली शॉन बाय कंपाउंड जी महाराज क्या कह रहे हैं सर आप रिपीट कर सकते हैं ये एजीबीआर शोज बोथ टाइप्स ऑफ डिफेक्ट शॉर्ट की एंड फ्रैंकल ये ठीक है यही पूछ रहे हैं ना आप हाई कोऑर्डिनेशन यस सर चलिए तो मैं ये कह रहा था आप लोगों से एडीबीआर दोनों टाइप का डिफेक्ट शो करता है शॉर्ट की भी और फ्रैंकल भी अब मैंने एक चीज आप लोगों को बता दिया शॉर्ट की डिफेक्ट में जो अनायन और केटायन का रेशियो है वो कंपेरेबल होता है यानी केटायन का जो रेशियो हो गया वो बड़ा हो गया जब बड़ा हो गया केटायन का साइज बड़ा हो गया तो सराउंडिंग एटम्स भी ज्यादा हो गए सराउंडिंग एटम्स ज्यादा हो गए तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो गया तो ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है दैट मींस अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है तो कौन सा डिफेक्ट शो करेगा तो वो शॉर्ट की डिफेक्ट शो करेगा सिंपल सी बात है ठीक है और कोऑर्डिनेशन नंबर लो है तो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेगा क्यों क्योंकि शॉर्ट की डिफेक्ट में साइज ऑफ केटायन जो होता है बड़ा होता है अगर साइज ऑफ केटायन बड़ा है तो सराउंडिंग अनायंस जो होंगे वो ज्यादा होंगे और फ्रैंकल डिफेक्ट में साइज ऑफ केटायन छोटे होते हैं तो सराउंडिंग अनायंस जो होगा वो कम होगा ठीक है तो ये बात समझ में आया महराज ओके प्लीज राइट इट एंड लेट मी नो इफ यू आर डन विद दिस देन वी विल discuss second part non-stoichiometric defect done yes sir okay चलिए तो यहाँ पे अपना खत्म होता है stoichiometric defect दोबारा मैं बता देता हूँ stoichiometric defect उस defect को कहते हैं जिसमें cation और anion का ratio before defect और after defect same होता है चार type के stoichiometric defect होते हैं एक होता है आपका वैकेंसी डिफेक्ट इंटरस्टीशियल डिफेक्ट शॉर्ट की डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट वैकेंसी और इंटरस्टीशियल नॉन आयनिक सॉलिड में होता है शॉर्ट की और इंटर शॉर्ट की एंड फ्रैंकल आयनिक सॉलिड में होता है वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब उसमें से कुछ पार्टिकल्स जो वैकेंट हो जाते हैं उसे शॉर्ट की सॉरी उसको हम लोग क्या कहते हैं वैकेंसी कहते हैं और उसमें डेंसिटी हो जाता है आपका आएगा आपका इंटरस्टीशियल यानी अलग से कुछ ऐड हो जाएगा ठीक है नॉन आयनिक सॉलिड में उसको कहेंगे हम लोग इंटरस्टीशियल डिफेक्ट और उसका डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि कुछ ऐड होगा तो मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा अब बात करेंगे हम लोग शॉर्ट की डिफेक्ट का तो बेसिकली इसमें से केटायन और अनायन इक्वल नंबर में निकल जाते हैं ठीक है बाहर रिमूव हो जाते हैं ठीक है रिमूव कर दिए जाते हैं तो यहाँ पे जो डिफेक्ट आएगा वो होगा शॉर्ट की आयनिक सॉलिड में ठीक है और यहाँ पे चूंकि हमने एटम्स को रिमूव किया है मास डिक्रीज हुआ डेंसिटी जो होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा अब बात करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट की तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है ये आयनिक सॉलिड में होता है और यहाँ पे जो केटायन होते हैं वो इंटरस्टीशियल साइट को कवर करते हैं जो छोटे छोटे वॉइड्स रह जाते हैं वहां पे जाके लग जाते हैं यानी इसमें कुछ अलग से ऐड नहीं हुआ है ना ही कुछ निकला है मास तो उतना ही है तो डेंसिटी जो होगा वो सेम होगा इन फ्रैंकल डिफेक्ट इज दैट क्लियर एवरीवन यस सर चलिए अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड पॉइंट डिफेक्ट की जो कि है आपका नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट और इस डिफेक्ट में क्या होता है कि जो रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है
ठीक है, इस डिफेक्ट में क्या होता है, रेशियो चेंज हो जाता है। ये जो होता है आपका दो टाइप का होता है, ठीक है, दो टाइप का होता है। पहले वाले कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा है आपके पास मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब देखिए मेटल एक्सेस में लाने का दो तरीका है, या तो हम मेटल ऐड करके ला दें उस कंपाउंड में, या फिर नॉन मेटल रिमूव कर दें। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल है, ठीक है, और मेटल एक्सेस में लाना है, तो या तो इसमें मेटल ऐड कर दीजिए या फिर नॉन मेटल को निकाल दीजिए। अगर नॉन मेटल कम होगा तो उसके रिस्पेक्ट में मेटल ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? याशिका, मेहराज, अनीब, yes, तो यहाँ पे दो टाइप का ये हो जाता है, ठीक है। पहला जो आता है वैकेंसी, इसको कहते हैं वैकेंसी, यानी ये होता है आपका ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज। वेट अ मिनट, वैकेंसी ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज, और दूसरा जो होता है इंटरस्टीशियल, इंटरस्टीशियल ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायंस। एक चीज तो आप लोगों को पता है ना कि ये जो कंपाउंड होते हैं आयनिक कंपाउंड, उसमें एक मेटल होता है एक नॉन मेटल होता है, ठीक है। आयनिक कंपाउंड में यही होता है ना, एक लूज करता है एक गेन करता है, तो लूज करने वाले मेटल होते हैं और जो गेन करते हैं उसे नॉन मेटल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो तरीका है, अगर यहाँ पे पांच मेटल और पांच नॉन मेटल है और मुझे मेटल का नंबर इंक्रीज करना है, तो या तो मैं मेटल ऐड कर दूं या फिर इसमें से नॉन मेटल डिक्रीज कर दूं, तो मेटल ज्यादा हो जाएगा कि नहीं इस कंपाउंड में? यस सर, ध्यान से सुनिएगा मेहराज, ये समझ में आया? उनेब, यस सर, वेरी गुड। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, वैकेंसी का मतलब ड्यू टू अनायनिक वैकेंसी, अनायन कौन होते हैं, अनायन नॉन मेटल होता है, यानी नॉन मेटल को निकाल दो, और दूसरा है इंटरस्टीशियल, मतलब कि मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, केटायन होते हैं, तो बेसिकली वहां पे क्या होगा, केटायन छोटे होते हैं तो वो जाके इंटरस्टीशियल साइट को कवर कर लेगा, तो वहां पे इनडायरेक्टली उसका नंबर बढ़ गया केटायन का, तो ये आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है। और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले ये चार्ट बना लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको देखते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट क्या होता ये लिख लिया आप लोगों ने। याशिका, मेहराज, नेब, अर्पित, अल्विया, डन, डांस।
Done everyone. Yashika? Yes, sir. Very good. चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. सबसे पहले मेटल एक्सिस डिफेक्ट लेते हैं. मेटल एक्सिस डिफेक्ट. अब ये जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है यहाँ सबसे पहले ये किस वजह से हुआ, तो ये होता है आपका ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज. ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज. अब देखिए ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज होता कैसे. देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक सोडियम NaCl का क्रिस्टल लेते हैं. ठीक है, NaCl का क्रिस्टल लीजिए जरा, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, देन अगेन Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, देन अगेन Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, देन अगेन Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, देन अगेन Na प्लस Cl माइनस Na प्लस. और यहां से इस क्रिस्टल के थ्रू अगर हम लोग सोडियम वेपर को पास करते हैं, Na वेपर, सोडियम वेपर को पास करेंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा. After passing sodium vapor through this crystal, यहाँ पे कुछ change आ जाता है. और change कैसे आता है? ध्यान दीजिएगा Na plus Cl minus Na plus. और यहाँ आ जाएगा Cl minus Na plus. और यहाँ एक electron. And then Na plus Cl minus Na plus. And then again Cl minus Na plus Cl minus. And then again Na plus जो भी है Cl minus and then Na plus. Basically ये जो sodium है ना यहाँ पे एक chlorine को लेके चला जाता है. ये जो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ रह जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और Cl- और Na+ हो गया. ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह जाता है, ये Cl- ऑलरेडी है और ये Na+ बनके बाहर निकल जाता है. और इसी को हम लोग कहते हैं फाब सेंटर. फाब सेंटर कहते हैं और एफ सेंटर कहते हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फाब सेंटर और एफ सेंटर. ठीक है, तो आप लोग खुद ही देखिए यहाँ पे अगर केटायन का और अनायन का रेशियो देखिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 केटायन है और अनायन देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनायन. और यहाँ पे जब काउंट करेंगे तो केटायन तो उतना ही है, अनायन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो क्या मेटल एक्सेस में हो गया, मेटल एक्सेस में हो गया या नहीं? यस सर. ठीक है, और यहाँ पे ये चूंकि नॉन एस्टोइसोमेट्रिक डिफेक्ट है तो इसमें हमें ये चेक नहीं करना है कि अनायन और केटायन का रेशियो सेम है या नहीं. नहीं है. ठीक है, अब इसके वजह से, इस एफ सेंटर की वजह से काफी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आ जाते हैं. जैसे कि आपको एक कोई भी कंपाउंड कलर क्यों शो करता है, जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है तो जनरली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर शो होता है. यहाँ पे ये व्हाइट होता है बट यहां पे क्या हो जाता है, बिकम्स येलो. और ये येलो कलर का क्यों होता है, येलो इन कलर ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन. और इसको फ्री, इस फ्री इलेक्ट्रॉन को हम एफ सेंटर कहते हैं, फाव सेंटर कहते हैं. ठीक है, और ये पैरामैग्नेटिक हो जाता है. पैरामैग्नेटिक के बारे में आप लोगों को पता है या नहीं? पैरामैग्नेटिक का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अकेला इलेक्ट्रॉन हो उसे कहेंगे पैरामैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक का मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. और ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है. ये बात समझ में आया है या नहीं?
अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा दोबारा पूछ लेंगे। अनायनिक वैकेंसीज है यानी अनायन निकलेगा तो केटायन अपने आप उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, ये व्हाइट कलर का होता है विदाउट डिफेक्ट, जब वो येलो हो गया तो समझ लीजिए इस तरीके का हो गया है, अगर आपका NaCl जो है इस तरीके का। ठीक है, बिकम्स येलो इन कलर ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कलर रेडिएट वगैरह करता है, पैरामैग्नेटिक होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है, सिंपल सी बात। हो गया, डन। अलविया, यासिका, उनीद, मेराज, अर्पित, यासिका आपका हो गया? यस सर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। ये हमने देख लिया ड्यू टू अनायनिक वैकेंसीज, अब दूसरा जो मेटल एक्सेस होता है वो होता है ड्यू टू केटायनिक इंटरस्टीशियल, मतलब ये हो गया कि मेटल अलग से ऐड हो जाता है इंटरस्टीशियल। अब यहाँ पे भी एक डायग्राम बना के इजिली समझ लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए जेड एन प्लस टू है, ओ माइनस टू है, जेड एन प्लस टू है, अगेन ओ माइनस टू, जेड एन प्लस टू, ओ माइनस टू, अगेन जेड एन प्लस टू, ओ माइनस टू, जेड एन प्लस टू, अगेन यहाँ पे ओ माइनस टू, जेड एन प्लस टू, ओ माइनस टू। अब यहाँ क्या होता है ड्यू टू सम रीजंस, और जब हम जेड एन ओ को हीट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है एक जेड एन प्लस टू बाहर से इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, अब ये किस तरीके से ऐड होगा जरा ध्यान दीजिएगा, जेड एन प्लस टू का साइज जो होगा चूंकि कैटायन है तो काफी छोटा होता है, तो पहले जैसा है वैसा लिख देता हूं मैं, उसके बाद किसी इंटरस्टीशियल पोजीशन पे हम लोग इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ क्या होगा, आपका जेड एन प्लस टू का साइज छोटा होता है तो ये आपका इंक्रीज कर जाएगा इधर, एट द सेम टाइम जेड एन प्लस टू आपने अगर ऐड कर दिया, एक ही ऐड करेंगे तो इसका जो दो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी इसी में होगा। ठीक है, जेड एन प्लस टू यहाँ है तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे कहीं मूव कर रहे, यानी ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूं, जेड एन ओ इज वाइट एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे वाइट होता है बट टर्न्स इन येलो, टर्न्स येलो When? Heating. और ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहे हैं ये दो, इसके वजह से इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यहाँ क्या करेगा इंक्रीजेस, ये लिख लीजिए बहुत आसान।
देन हो गया वेरी गुड अर्पित अनिल आंसर नेम आपका भी हो गया यस वेरी गुड अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ चल रहे हैं जिसको क्या कहते हैं हम लोग मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट अब ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स को अगर ध्यान से देखिएगा यानी नाम से ही पता चल रहा है मेटल जो होगा वो क्या होगा कम हो जाएगा ठीक है। अब ये देखिए ये जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स शो करते हैं क्योंकि उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। एक्चुअल में देखिए मैं लिख रहा हूँ उसके बाद समझ में आ जाएगा साथ में आप लोग भी लिखिए। दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू वेरिएबल वैलेंसी most frequently observed in D block elements most frequently observed in D block elements जैसे मान लीजिए FeO है ना तो यहाँ पे ये दो state में होता है iron। मैंने इस पे question भी दिया था Fe plus 2 में भी होता है और Fe plus 3 में भी होता है। अब देखिए इसमें होता कैसे है जैसे मान लीजिए अभी प्लस टू वाला मैंने पूरा लिस्ट बना दिया ठीक है। अब ये पूरा लिस्ट का मतलब क्या है एफ ई प्लस टू ओ माइनस टू एफ ई प्लस टू यहाँ पे माइनस टू एफ ई प्लस टू ओ माइनस टू अगेन यहाँ पे एफ ई प्लस टू ओ माइनस टू एफ ई प्लस टू अगेन यहाँ पे ओ माइनस टू एफ ई प्लस टू एंड देन ओ माइनस यहाँ पे सारे के सारे क्या हो गए एफ ई प्लस टू में। अब यहाँ पे हमें पता है कि आयरन जो होता है वो प्लस थ्री में भी होता है किसमें होता है आपका प्लस थ्री में भी होता है तो यहाँ पे ये खुद को स्विच कर लेता है बेसिकली यहाँ पे एफ ई प्लस टू ओ माइनस टू और यहाँ पे एफ ई प्लस थ्री में हो गया। इन द सेम वे यहाँ पे ओ माइनस टू यहाँ पे एफ ई प्लस थ्री में हो गया ओ माइनस टू और यहाँ पे ओ माइनस टू एफ ई प्लस टू एंड देन अगेन ओ माइनस टू एफ ई प्लस टू और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ओ माइनस टू। सबसे पहले इसको चेक करना है ना तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल देख लीजिएगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कि नहीं। यहाँ पे अगर आयरन देखिएगा पॉजिटिव चार्ज काउंट कर लीजिए एक दो तीन चार पांच छ यानी सिक्स और यहाँ पे एक दो तीन चार पांच छ सिक्स इज टू सिक्स है और यहाँ पे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव आ गया और यहाँ पे देखिएगा तो ये सिक्स है ठीक है तो चेंज हो गया क्योंकि नॉन एस्टोइसोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ रहे हैं तो वहां पे रेशियो चेंज होना ही होना है ठीक है। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी देख लीजिए कि जो पांच में से आपके तीन जो है वो प्लस टू वाले हैं और दो जो हैं वो प्लस थ्री वाले हैं तो इसमें देख लीजिए थ्री टू जो सिक्स एंड टू थ्री जो सिक्स हाँ तो ये प्लस ट्वेल्व आ रहा है और ये ऑक्सीजन वाले सिक्स हैं तो एक पे माइनस टू तो ओवरऑल सेम ही है। तो बेसिकली आपका क्या होता है कि यहाँ पे जो एटम्स होते हैं एलिमेंट जो होते हैं वो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट स्विच कर देता है और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट स्विच करेगा तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एटम्स डिक्रीज होंगे ही होंगे ठीक है। इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइव इज टू सिक्स का रेशियो है यहाँ सिक्स इज टू सिक्स का रेशियो है मेटल कम हो गया इसलिए इसको कहते हैं मेटल डेफिशियंसी डिफेक्ट और ये जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट शो करते हैं क्योंकि इनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वेरिएबल वैलेंसी होती है। चलिए इसे लिख लीजिए
डन याशिका नीप यस सर अर्पित आर यू डन विद दिस चल यस सर अब हम लोग पहले यहाँ पे बात करेंगे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे देन हम लोग जब इलेक्ट्रिकल पार्ट शुरू करेंगे जिसमें सेमीकंडक्टर आएगा वहां पे आपका इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कंप्लीट कर लेंगे बेसिकली अपने पास जो डिफेक्ट्स थे स्ट्रोइसियम पॉइंट डिफेक्ट हमने क्लियर कर लिया स्ट्रोइसियोमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट और आपका नॉन स्ट्रोइसियोमेट्रिक डिफेक्ट ये कंप्लीट हो गया तो पहले हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सॉरी अब देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज यहाँ पे कितने टाइप के होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में जो आता है सबसे पहले आपके पास ये आ जाएगा आपके पास सबसे पहले डायमैग्नेटिज्म आप लोग भी चार्ट बनाए मेरे साथ डायमैग्नेटिज्म उसके बाद अपने पास आ जाएगा पैरामैग्नेटिज्म थर्ड जो है वो आ जाता है आपके पास फेरोमैग्नेटिज्म उसके बाद आ जाएगा आपके पास एंटी फेरोमैग्नेटिज्म और लास्ट जो आ जाता है आपके पास वो आता है ये लास्ट वाला नीचे लिख लेंगे या फिर आप तो उसमें कंटिन्यू करिएगा लास्ट वाला जो है आपके पास उसका नाम है आपके पास फेरी मैग्नेटिक और इसको ऐसे एंटी फेरोमैग्नेटिक भी कह सकते हैं पैरामैग्नेटिक भी कह सकते हैं फेरोमैग्नेटिक भी और डायमैग्नेटिक भी ठीक है तो ये बना लिया लोगों ने बन गया आप लोगों को एक सेकंड हाँ वेट अ मिनट Is the screen visible? अभी तक नहीं सर हो गई वेरी गुड ये लिख लिया आप लोगों ने स्टार्ट करें यस सर ओके अनिल चलिए अब देखिए डायमैग्नेटिज्म क्या होता है तो सबसे पहले डायमैग्नेटिज्म के प्रॉपर्टीज लिखते हैं ये बेसिकली रिपल्शन शो करता है इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ लिख देंगे शोज रिपल्शन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ये रिपल्शन शो करता है इसमें आपके सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो यहां लिख देंगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे हम लोग एग्जांपल कौन कौन से शो करते हैं एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है NaCl TiO2 एंड V2O5 ये सारे के सारे आपके
डायमैग्नेटिज्म. पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? तो शोज अट्रैक्शन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में अट्रैक्शन शो करते हैं. यहाँ पे एटलीस्ट वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एटलीस्ट वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए. यानी जिसमें भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका पैरा मैग्नेटिक होता है. यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो ये आ जाएगा Cu प्लस टू, Fe प्लस थ्री और TiO, टाइटेनियम ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड. फेरोमैग्नेटिज्म किसे कहते हैं? तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन को हम फिल कैसे करते हैं, इस तरीके से वन टू, पहले स्पिन अप फिर स्पिन डाउन, ऐसे ही करते हैं ना इलेक्ट्रॉन को फिल. याशिका क्लास 11th में आपने इलेक्ट्रॉन फिलिंग किया था ना होम्स रूल के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू होम्स रूल. यहाँ पे फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक ही साइड एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन अलाइन हो जाते हैं. इस टाइप के मैग्नेटिज्म को हम लोग कहते हैं फेरोमैग्नेटिज्म. तो यहाँ पे लिख सकते हैं अलाइन इटसेल्फ इन 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 लाइक अलाइन इटसेल्फ इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में आपका क्या कर देगा अलाइन हो जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं एक्स एज मैग्नेट आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आफ्टर रिमूव स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं या फिर मैग्नेटिक फील्ड. तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं. अगर डायमैग्नेटिक में अप्लाई किया आपने तो यहाँ पे क्या होगा, रिपल्शन शो करेगा. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो भी डायमैग्नेटिक कहते हैं, एग्जांपल NaCl, TiO2, V2O5. अगर पैरा की बात करें तो ये रिपल्शन शो करता है, सॉरी ये अट्रैक्शन शो करता है, ठीक है. और इसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और इसका भी एग्जांपल होगा. अब यहाँ पे फेरोमैग्नेटिज्म की जब बात करते हैं तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं. और यहाँ पे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड होता है तो वो मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म अगर है तो अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया तो भी आपका ये मैग्नेटिक तरह रहेगा. अब इसका एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे लिखते हैं निकल CrO2 etc. एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है? एंटी फेरोमैग्नेटिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो यहाँ पे आपका इक्वली अलाइन हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो हो जाता है. मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? जीरो हो जाता है, क्योंकि जितने ऊपर डायरेक्शन में जाते हैं उतना ही नीचे डायरेक्शन में आ जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, ठीक है. तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट्स कैंसिल ईच अदर, और मूवमेंट्स डायरेक्ट लिख सकते हैं मूवमेंट्स कैंसिल ईच अदर. और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होता है, स्ट्रॉन्ग रिपल्सन. एक चीज और यहाँ पे लिख लीजिएगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन. एग्जाम्पल यहाँ लिख लीजिए Fe2O3 और फिर आपके पास आ जाएगा MnO एंड एक्सेट्रा. फिर हम लोग फेरी मैग्नेटिज्म की बात करेंगे. पहले यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे.
हो जाए तो बताइएगा। डन हो गया सर, वन मिनट। आप लोगों का हो जाए प्लीज लेट मी नो। डन सर। वेरी गुड, एवरीवन डन। नीड? यस सर। वेरी गुड। अब हम लोग लास्ट एंटी फेरी मैग्नेटिज्म, तो फेरो मैग्नेटिज्म तो कर लिया हमने। अब अपने पास क्या है? फेरी मैग्नेटिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे फेरी मैग्नेटिज्म की जब बात होती है तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। फेरी मैग्नेटिज्म, अब देखिए फेरी मैग्नेटिज्म में क्या होता है कि जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे ना, तो ये आपका कुछ अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाएंगे और कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, लेकिन ये इक्वल इन नंबर नहीं होते। एंटी फेरो में क्या होता है कि अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन स्पिन अप और 3 स्पिन डाउन, लेकिन फेरी मैग्नेटिज्म में क्या होगा कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा अप और डाउन में, और जिसके वजह से यहाँ पे म्यू जीरो नहीं होता है, जिसके वजह से म्यू जीरो नहीं होता है। और यहाँ पे लिख सकते हैं मोमेंट्स आर रेंडमली अलाइन और mu is not equals to zero, that I have already written, और example में ले सकते हैं Fe3O4। तो ये था आपका magnetic properties की बात। electrical properties जो होता है आपका basically, वो हम लोग semiconductor वगैरह की जो बात करते हैं वो हम लोग next ही class में करेंगे। और आप लोगों के लिए आज homework है बहुत सारा, क्योंकि आज Thursday है और ये हो जाए तो बताइएगा आपको।
डन एवरीवन. यस सर. ओके, तो आप लोगों का होमवर्क ये है एनसीईआरटी से. आप लोग प्लीज ये क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज से दे रहा हूँ बेसिकली, और ये आप लोगों को सबमिट करना है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1-2 16 तक करना होंगे. ठीक है, अर्पित, अनेब, याशिका. यस सर. ओके, देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. और जो अपनी एक क्लास गैप हुई है उसके बारे में भी सर से मैं बोल के एक क्लास रखाऊंगा. ठीक है, होगी अपनी क्लास. ठीक है. यस सर.